अस्सलामु अलैकुम। हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वॉक। दोस्तों, टेक्नो का स्पार्क 9 प्रो पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। स्पार्क 9 सीरीज ही आएगी, वैसे स्पार्क 9T आएगा, स्पार्क 9 आएगा और 9P वगैरह भी आए हैं, कोई और भी मॉडल, लेकिन हम स्पार्क 9 प्रो की सबसे बड़े भाई की बात करेंगे। स्पार्क 9 प्रो जल्द ही पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया है। स्पेसिफिकेशन खुलकर सामने आ चुकी है दोस्तों, इसी मंथ पाकिस्तान की मार्केट में आएगा। यहाँ पर सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, देख इस बात की भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों इसके डिजाइन की बात करें, डिजाइन यहां पर बहरहाल चेंज किया गया, स्पार्क काफी ज्यादा लिखा हुआ है बैक साइड से, लेकिन ओवरऑल एक आइकोनिक डिजाइन कह सकते हैं इसे दोस्तों। यहां पर एक न्यू डिजाइन देखने को मिलेगा, ड्यूअल डिजाइन, मतलब ऊपर की तरफ आपको शाइनिंग मिलेगी डाउन साइड से, बैक पर आपको बिल्कुल मेट टाइप सा डिजाइन मिलेगा। चार कलर्स मिलेंगे, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर और कुछ यहाँ पर स्ट्रोम कलर मिलेगा, मतलब चार कलर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कैमरा जो बैक पर ट्रिपल कैमरा मिलेगा, स्टाइलिश कैमरा। मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, यहाँ पर फाइनली चेंज कर दिया गया है। स्पार्क सीरीज में 48 मेगापिक्सल होता है, यहाँ पर 50+ 2 मेगापिक्सल के दो कैमराज आपको देखने को मिलेंगे, जो काम के इतने खास होते नहीं है, लेकिन मेन कैमरा जो है वो ठीक है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, जिस तरह 32 मेगापिक्सल के यहाँ पर नंबर काउंट किए गए, उम्मीद करते हैं वही कैमरा लगाया गया हो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर ओवरऑल आपको कैमरा वगैरह तो ठीक देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले की तरफ ध्यान दें, यहाँ पर नॉच टेक्नोलॉजी वाला आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलता है, 6.6 इंचेस का फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। लेकिन एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी गई है, पंच होल यहाँ पर लगाना चाहिए था, साइड पंच होल था, सेंटर पंच होल होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन यहाँ पर नॉच टेक्नोलॉजी को हटाया नहीं गया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। तो खैर, यहाँ पर फाइनली टेक्नो को चेंजिंग करने की ज़रूरत थी थोड़ी सी। दोस्तों, अगर प्रोसेसर की बात की जाए, प्रोसेसर चेंज नहीं किया गया, यहाँ पर MediaTek Helio G85 का ही प्रोसेसर है। ये एक गेमिंग चिपसेट ज़रूर है 24-25 हज़ार की प्राइस के रेंज के हिसाब से, लेकिन पुराना हो चुका है, अब थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, Helio G96 की तरफ चले जाते तो ज़्यादा बेहतर था, प्राइस थोड़ी सी 1000-2000 ज़्यादा रख देते उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं किया गया। तो नॉर्मल गेमिंग आप कर सकते हैं, HD में, हाई सेटिंग, स्मूथ में, अल्ट्रा में प्ले कर पाएंगे आप गेमिंग वगैरह, आपको दिक्कत मेरे ख्याल में नहीं होने वाली। मजीद हम चेक करेंगे जब हमारे हाथ में फोन आएगा, जल्दी अनबॉक्सिंग भी आ जाएगी दोस्तों। यहां पर आपको 5000mAh की बैटरी और 18W की ही चार्जिंग देखने को मिल जाती है, टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। एंड्रॉयड 12 के साथ ये फोन आएगा और हाई OS 8.6 वर्जन के साथ इस फोन में ये UI यूजिंग इंटरफेस रखा गया है दोस्तों। सिंगल स्पीकर दिया गया है दोस्तों और यहां पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट को माउंट किया गया है। 6GB 128GB वाला एक ही वेरियंट पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा, तो ये 6GB 128GB गेमिंग फोन भी कह सकते हैं। यहां पर प्राइस का अंदाजा दोस्तों लगा सकते हैं, पक्की प्राइस नहीं, अंदाजा आपको मैं बता सकता हूं कि ये फोन 28-29 हज़ार की प्राइस में पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। कोई बड़ी चेंजिंग भी नहीं है, लेकिन एक ओवर प्राइस फोन की तरफ जा सकता है, 29-30 की तरफ चला जाएगा, लेकिन ये फोन अगर 24 हज़ार तक आ जाए, 23-24 तक, तो फिर ठीक है, फिर उस हिसाब से ओके हो जाएगा। यहाँ 25 ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा प्राइस वो ओवर प्राइस हो जाएगी, चाहे डॉलर रेट ज़्यादा है, स्पेसिफिकेशन वही पुराने वाली डाली गई। ये फ़ोन जो है लॉन्च इसी मंथ ही जून के महीने में कहा जा रहा है कि लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, पाकिस्तान में इसी जून के महीने में ही लाया जाएगा ये फ़ोन। जैसे ही लॉन्च डेट कन्फर्म होती है और यहाँ पर अनबॉक्सिंग आएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस जो है वो जल्दी मिलती रहेंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।